देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। पूरा जनपद मामला मैमनपुरी के थाना बरनाहल के ग्राम पंचायत चंदीकरा का है, जहां गांव का दलित नवयुवक विमलेश कुमार गांव के ही समील खां के ट्रैक्टर चालक के पद पर मजदूरी पर कार्य करता था। जब विमलेश अपनी पत्नी रेनी देवी के साथ मजदूरी के पैसे मांगने ट्रैक्टर मालिक के घर गया तो दबंग ट्रैक्टर मालिक भड़क गया और गाली गलौज देने लगा। जब दलित दंपति ने इसका विरोध किया तो दबंग ट्रैक्टर मालिक सलीम खां और उसका साथी समन खां ने दंपति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और दंपति जान भगत चाकर अपने घर भागे तो दबंगों ने दलित के घर में घुसकर लात घूंसों से और लाठी से मारा पीटा। चीख पुकार सुनकर उसका भाई बचाने आया तो दबंगों ने उससे भी मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट करी हमारे बीच बता करो तो बीच बता कर घर भाई घर चला गया। अकेले देख के दोनों भाइयों ने मेरे को मारा डंडा कर। कौन लोग थे? मुसलमान है, समील ने और समन खान है। मतलब कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा? क्या नाम है उनके? समील खान। समील खान तो मतलब किस बात के पैसे थे? मतलब ट्रैक्टर चलाते हैं, ये मजदूरी कर रहे थे, मजदूरी मांगी उसने मारा। कब मारपीट की है? परसों चौथे दिन है। तो आप थाने क्यों आए हैं? हम आए थे थाने मुकदमा करने। मुकदमा लिख लिया गया पुलिस ने? पुलिस ने लिख लिया है, अभी लिखा नहीं है। थाने आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? थाने हमें साहब हो गए आज चौथा पाँचवा दिन है, कोई सुनवाई नहीं साहब। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस गई है एक दो बार, जाती है चक्कर काट के लौट आती है, वो पकड़ में ही नहीं आता है साहब। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है परंतु पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। दलित दंपति बराबर चार दिन से थाने के चक्कर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।